हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, ये जो हम लोगों का वॉशिंग मशीन का मोटर है, वॉशिंग मशीन का दो मोटर रहेगा। एक इस तरह से रहेगा यानी कि स्पिन मोटर, और एक इस तरह से रहेगा बेल का साथ और गियर बॉक्स का साथ यानी वॉश मोटर। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का मोटर घूमता नहीं है और मोटर से आवाज़ आता है, मोटर स्लो घूमता है। इस तरह कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये वॉश मोटर है, वॉश मोटर को अभी छोड़ते हैं दोस्तों। अभी इसकी स्पिन मोटर है, ये जो है स्पिन मोटर को चेक करके बताता है दोस्तों। तो इस तरह कंडीशन में दोस्तों हम लोग को क्या करना है, मोटर को डायरेक्ट चेक करना है दोस्तों। मोटर को डायरेक्ट चेक करने से हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का मोटर में फॉल्ट है कि नहीं। तो दोस्तों, मोटर को डायरेक्ट चेक करने के लिए इसका कनेक्शन सब हटाना है दोस्तों। हटा के इस तरह कर लेना है दोस्तों। तो मोटर का कनेक्शन हटाने से मोटर से इस तरह से तीन वायर बाहर निकल के आएगा दोस्तों। तो तीन वायर है, इसमें एक कॉमन होगा, एक रनिंग होगा, एक स्टार्टिंग होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉमन है हम लोग को कैसे पता चलेगा दोस्तों, देखिए मोटर के जो स्टिकर है, स्टिकर में देखने से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ में एम लिखा है, यानी डायग्राम में एम मोटर है, और जो कैपेसिटर का जो साइन है यहाँ में ब्लू वाइट है और रेड वाइट है, यानी ये दो कैपेसिटर की है। और जो बचेगा यानी कि येलो ब्लैक जो बचेगा वो है हम लोग का कॉमन आयर। तो दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है ये ब्लैक और येलो, ये है हम लोग का कॉमन आयर। और ये जो दो है, ये दो वायर है हम लोगों का रेड वाइट, और ये जो ब्लू वाइट, ये है हम लोगों का कैपेसिटर की वायर। तो दोस्तों, ये दो कैपेसिटर में लग जाएगा दोस्तों। तो कैपेसिटर किस तरह से है दोस्तों, तो इधर देखिएगा दोस्तों, कैपेसिटर इस तरह है। तो इसमें देखिए दोस्तों, 9.5 है एक कैपेसिटर और 4 UF है एक कैपेसिटर। दोस्तों 9.5 और 10, 11 जो होता है, ज़्यादा रेंज वाला जो होता है, ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो होता है, वो होता है हम लोगों को वॉश मोटर को चलाने के लिए। और जो 4 होता है, 4 UF होता है, 5 UF होता है, कमती रेंज का जो होता है हम लोगों को स्पिन मोटर के लिए होता है, यानी सुखाने वाला जो मोटर है इसके लिए होता है दोस्तों। तो ये जो दो है कैपेसिटर का, जो दो वायर है, ये हम लोगों का 4 UF का है यानी स्पिन मोटर का है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉमन वायर है, कॉमन वायर को अभी छोड़ते हैं, कॉमन वायर को छोड़ दिया। अभी ये जो दो वायर है इसमें लगा देते हैं दोस्तों, ये दोनों में लगा देते हैं दोस्तों। इधर देख लीजिए, ये जो दो वायर है, ये दो हम लोग इसमें लगा दिया, एक वायर इसमें लगा दिया, एक वायर इसमें लगा दिया, क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर है, एक स्पिन मोटर के लिए, एक वॉश मोटर के लिए। ये जो दो वायर है ये वॉश मोटर के लिए, ये नहीं लगाएंगे दोस्तों। ये जो दो वायर है स्पिन मोटर के लिए यानी 4 UF का है, तो इसमें जो 4 UF का है इसमें लगा दिया, और बचा है हम लोग का कॉमन वायर। तीन वायर आता है दोस्तों, दो वायर हम लोग लगा दिया और बचा है एक वायर। तो एक वायर है, बचा है, अभी क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से एक टेस्टिंग लीड ले लेना है। आप मिस्त्री है और घर में भी आप चेक कर सकते, चेक करेंगे तो इस तरह से एक लीड वायर आपको ले लेनी है दोस्तों। और लीड वायर से तीन वायर निकल के आएगा, एक फेस, एक न्यूट्रल, एक आर्टिन को छोड़ते हैं दोस्तों। और ये जो न्यूट्रल है, जो प्लग से जो न्यूट्रल आएगा दोस्तों, ये न्यूट्रल सीधा हम लोगों का, ये जो मोटर का न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ लग जाएगा दोस्तों। और ये जो फेस आता है दोस्तों, फेस को हम लोग किसी भी इसमें भी लगा सकते हैं, आप इसमें भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ लगा देते हैं, और जो फेस का वायर है, फेस का वायर इसमें लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोगों का जो ये जो कॉमन वायर आता है मोटर से, ये कॉमन वायर के साथ हम लोगों को न्यूट्रल लगा दिया, और ये जो फेस आता है कैपेसिटर का किसी भी एक से वायर में लगा देते हैं, हम लोग ए वायर में लगा दिया। अब ये यहाँ में भी लगा सकते हैं, आपको मर्जी। अभी दोस्तों ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो वायर है आपस में टच ना रहे, ये जो वायर है अलग अलग रहे, आपस में टच ना रहे। अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मेन लीड है, मेन लीड को मेन ये जो सप्लाई है, सप्लाई में लगा देंगे दोस्तों। और सप्लाई में लगा के इसको स्विच को करेंगे दोस्तों यहाँ से ऑन। तो देखिए हम लोग का जो मोटर है वो मोटर घूमना स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये मोटर घूमना स्टार्ट हो गया दोस्तों। इस तरह से हम लोगों का जो वॉशिंग मशीन का मोटर है, ये मोटर हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी स्पीड देखिए दोस्तों, इसके स्पीड है, इस तरह से स्पीड रहना है दोस्तों। अभी स्लो, इस तरह से डायरेक्ट चेक करने से स्लो घूमता है दोस्तों,
बिल्कुल नहीं घूमता है दोस्तों, सप्लाई देने में आवाज़ आता है दोस्तों, तो इस तरह कंडीशन में हम लोगों का जो मोटर है 100% वो ख़राब ही होता है दोस्तों। अभी इसको अंदर से थोड़ा दिखा देते हैं किस तरह से हम लोग का ड्रम जो है वो स्पीड से घूमता है दोस्तों। तो देखिए ये जो ड्रम है, देखिए कितना स्पीड है, इस तरह स्पीड से घूमना है दोस्तों। अभी स्पीड इस तरह स्पीड से नहीं घूमेगा तो ये मोटर 100% इस तरह ख़राब होती है दोस्तों। तो इस तरह से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ये जो स्पीड मोटर इस तरह डायरेक्ट प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आप लोग का एक दोस्त हम लोगों का जैसा कि हम लोगों का तरह काम करने वाला जो हम लोगों का भाई लोग है, टेक्नीशियन भाई लोग है, वो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।